हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज दिल्ली में मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, सो डिनर में वी थॉट कि आज हम लोग डोसा बनाएंगे, तो मैं उसका डोसे का आलू ही प्रिपेयर कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आई शेयर लेटर ऑन, तो मैं बाकी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। हमारा आलू बन के रेडी हो गया है। नाउ चटनी बनाने के लिए सबसे पहले वी हैव टू रोस्ट द पीनट। तो हम थोड़ी सी मूंगफली लेंगे और उसको पहले थोड़ा रोस्ट करेंगे जब तक कि वो ब्राउन कलर का ना हो जाए, और उसके बाद हम आगे का जो डोसे के साथ चटनी होती है वो हम अभी प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारा पीनट हो गया है रोस्ट और अब हम आगे चटनी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। सो गरम पैन में पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अराउंड 2 टेबल स्पून, और थोड़ा ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी हम उसमें डालेंगे मूंग की दाल, लाइक 2 स्पून के अराउंड, और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन और फिर थोड़ा सा प्याज, और फिर हम इन सबको एक साथ फ्राई करेंगे। अब हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, सो नाउ वी विल ऐड थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना, कम और ज़्यादा वो आप अपना देख लेना कि घर पे अगर बच्चे हैं तो उस हिसाब से। फिर हम इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू चटनी को थोड़ा चटपटा खट्टा बनाने के लिए, और नींबू ऐड करने के बाद वी विल ऐड थोड़ा सा सोया सॉस अपनी चटनी में, तो हम 2 टेबल स्पून के अराउंड सोया सॉस ऐड करेंगे। नाउ ये हमारा मिक्सचर बॉयल हो रहा है। मीनवाइल हम मिक्सी में थोड़ा सा अपना जो हमने रोस्ट किया था पीनट उसको डालेंगे, और ये ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सचर, तो इसको भी हम उसमें ऐड करेंगे, और हर चीज़ को एक साथ हम इसको पीसने वाले हैं प्रॉपरली। मेक श्योर जब ये पूरा ठंडा हो जाए आप तभी इसको पीसना स्टार्ट करें। बीच में हम मिक्सचर में थोड़ा इमली का पानी ऐड करेंगे उसको थोड़ा खट्टा बनाने के लिए चटनी को, और अब हम इसको बंद करके अच्छे से पूरा हम पीसने वाले हैं। ग्राइंड करते हुए आप बीच बीच में चेक करो कि पानी की कंसिस्टेंसी कैसी है, और उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहना। हमें चटनी को बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा खुरदरा होना चाहिए ताकि हमें वो अच्छे से मूंगफली का टेस्ट आए।
अब हम गरम पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। हमें चटनी में अपने तड़का मारना है। 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल ऐड किया। ऑयल थोड़ा गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों, जो छोटे छोटे सरसों होते हैं वो ऐड किया है। और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अपना उड़द का दाल, अराउंड 1 टेबलस्पून। फिर हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हींग, 1 टेबलस्पून के अराउंड आप हींग ऐड करो इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब कुछ हो गया है। अब फाइनली हमने जो अपना पीनट का चटनी बनाया था वो हम इस तड़के में डाल के और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। सो फाइनली गाइस, ये है हमारी चटनी जो हो गई है रेडी। मीनवाइल किचन की खिड़की से ये है बाहर का नज़ारा। बारिश अभी भी उतनी ही हो रही है, कल रात से ही इनफैक्ट हो रही है। अब फाइनली हम बनाने वाले हैं डोसा। सो इसके लिए सबसे पहले हम पैन को स्मूथ करेंगे, हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे। उसके बाद हमने अपना बैटर रेडी किया हुआ है तो हमने वो बैटर अपना डाला और इसको अच्छे से घुमा के चारों तरफ फैलाना है अंटिल कि वो पूरा गर्म हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से घुमा के पूरा रोटेट करते हुए हम ऑयल को स्प्रेड करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि ऑयल जो है वो आपके डोसे को जब हम निकालते हैं ना, तो उस टाइम पे ऑयल जो है वो थोड़ा हेल्प करता है, वो जल्दी से निकल जाता है ईज़िली और हमारा डोसा टूटता नहीं है। तो अब हम इसमें जो हमने अपना आलू का बनाया हुआ था फिलिंग, वो फिलिंग हम इसके अंदर डालेंगे। मैं अराउंड 2 टेबलस्पून डालूंगी। और ये फाइनली हमारा डोसा हो गया है रेडी। सो फर्स्ट लॉट ऑफ डोसा रेडी, मिशन अकम्प्लिश्ड। और ये काफ़ी सही सा बन गया है।
सो फ्रेंड्स, डू टेल मी आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये सब देखने में जितना इजी लग रहा है ना, ट्रस्ट मी इतना टाइम टेकिंग है, इसमें इतनी मेहनत लगी है, लाइक बैटर बनाने में, फिर आलू की फिलिंग बनाने में, स्पेशली तो चटनी पार्ट काफ़ी एफर्ट लगा है। सो प्लीज़ डू टेल कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो सम लव।